अब हम जा रहे हैं यहाँ से घर की ओर, मतलब चंबा की ओर निकल रहे हैं। बाकी टिहरी में इन्होंने काफ़ी इन्जॉय कर लिया है और मैंने भी वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। तो अब जा रहे हैं, दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं, हम निकल रहे हैं अब चंबा की ओर। तो चंबा में कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, खाना वाना खाएंगे भाई, फिर उसके बाद जाएंगे कर्णाताल की ओर। तो जा रहे हैं यहाँ से, और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, धूप भी लग रखी है। और चंबा यहाँ से है 14 किलोमीटर, चलता हूँ। चुके हैं चंबा, और अभी अभी आए हैं नई टिहरी पे, चंबा आए हैं। बाकी पारस भी पीछे है और महेश और अभी आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे जाम लग चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई साहब, कितना भयंकर जाम लग चुका है। बाकी यहाँ से जाते हैं ऊपर नई टिहरी की ओर रोड, और नीचे हम जहाँ से आए हैं वो पुरानी टिहरी रोड है, और जो वहाँ से जाएगी, वहाँ से ऋषिकेश जाती है, ऋषिकेश हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ वहीं से जाती है रोड, वहाँ पर लगती है हरिद्वार ऋषिकेश की बसें। तो वहाँ से उधर जाती है चंबा टिहरी की ओर रोड जाती है। तो ये है, ये देखिए अभी यहाँ पर जाम लग चुका है, भयंकर तगड़ा वाला जाम लग चुका है, क्योंकि बसें आती रहती है जाती रहती है, चौराया हो गया ना, तो इसलिए जाम लग रहा है यहाँ पे। ये है चंबा मार्केट, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। बाकी अभी पारस और रवि जाए हैं तेल भरवाने के लिए, तो अभी जाते हैं फिर यहाँ से। आ चुके हैं चंबा से और नई टिहरी से घूम के आ चुके हैं। बाकी ये देखिए रवि और अंबू आगे जा रहे हैं, और महेश ऊपर थोड़ा कैंप पे जा रखा है, कुछ काम है, तो पारस तो वहीं रुक गया है, तो वो चलते हैं फिर आगे की ओर। बाकी गांव का नज़ारा दिखाता हूं मैं आपको। दोस्तों गांव में भी अब गाजो काटने लग गए हैं, तो यहां पर गाजो सुखाने डाल रखा है और यहां काट दिया है थोड़ा बहुत, और यहां पर थोड़ा बहुत मटर लगा रखे हैं। बाकी ये देखिए यहाँ से जा रहा हूँ मैं, और सामने का नज़ारा देखिए, आश्रम के ऊपर दिख रहा हो बादल बादल। और ये अभी मैं मनवीर और के घर के ऊपर हूँ, बाकी इन्होंने सूरजमुखी के फूल लगा रखे हैं वहाँ पे। तो ये देखिए इतना गाजो काट लिया है, यहाँ गाजो काट के सुखाने डाल रखा है भाई। है नमस्ते, हाँ जी ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अच्छा ठीक है ना, हाँ हाँ मौसी मौसी बोल दो। हाँ जी हाँ जी, नहीं ना मौसी बोल दो, बोल जानी। हाँ जी हाँ हाँ ठीक, अच्छा ठीक था दादा, पढ़ाई कर दो अभी मैं। हाँ जी अच्छा, मनवीर और का खान दिल्ली, अच्छा अच्छा अच्छा, खूब तो आदर तक जॉब करना, अच्छा ठीक था आदम। हाँ हाँ वो तो छंद, हाँ काम ना करो तो होंगे ही नहीं कुछ, वो तो अच्छा। हाँ 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 अच्छा सही था। ना ना रहने दे, सवेर ले गालो अगर जाल जाल। हाँ जी हाँ जी, ना ना अभी नहीं खाना, ना सवेर ले गालो ये फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 जी हाँ जी, हाँ हाँ
हाँ जी हाँ जी ठीक है, तब मैं बैठा। ठीक है ठीक। तो दोस्तों ये है गांव का छोटा मोटा रास्ता, ये देखिए यहाँ से जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए पर्वत लगा रखे हैं और सामने पर है राधिका और का घर, ये देखिए सामने पे उन्होंने भी लगा रखी हैं गोभियाँ। लोग सारी ख़राब हो चुकी है, बाकी मटर भी लगा रखे हैं और राधिका भी आजकल घर आ रखी है शायद, सुबह देखी थी। बाकी सामने का नज़ारा देखिए, और रवि और पहुंच चुके हैं, सामने पहुंच चुके हैं। तो मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे पड़ोसी मिल गए थे, थोड़ा गप्पी लग जाती है ना। तो रास्ता नीचे से था, ऊपर से था, अच्छा यही है रास्ता, रास्ता ही भूल गया भाई एक ही दिन में। तो यहाँ से जाना है हमें, और ओस पड़ने लग गई है यहाँ देखिए, पूरे इन घासों में पूरी ओस ही ओस गिर रही है। और ये है सेब के पेड़, सेब के पत्ते भी गिर चुके हैं। और यहाँ से ये टीन लगा रखे हैं, क्योंकि जो यहाँ नीचे बीन बून जो सब्ज़ी लगा रखी है ना, तो वहाँ सुंगर नहीं जा पाएगा यहाँ से, जंगली जानवर जो भी हो, इसलिए लगा रखे हैं। देखिए रवि सामने पर पहुँच चुका है और मैं भी जाता हूँ फिर। ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा, पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और इस साइड देखिए बादल ही बादल आ रहे हैं। तो ये है जंगल का रास्ता इस साइड जाने को, जंगल पानी पुनी लाने को, और ये है नीचे वाला रास्ता जाने को। तो मैं यहीं से जा रहा हूँ, ठंड लग रही है, अकेला हूँ अभी मैं, इस पीछे से आएगा अभी। तो हेलमेट देने जा रखा है।